नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में पुलिस की पिटाई का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। अब ऐसा लगता है कि बिहार में अपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि अपराधियों के संरक्षण में खुद ही लोग उतर जा रहे हैं, आसपास के गांव के लोग उतरकर पुलिस पर हमला कर दे रहे हैं। और ये एक बार फिर से हुआ है बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में, और बाढ़ के डुमरिया गांव में पुलिस सूली यादव नाम के कुख्यात अपराधी को जहां पकड़ भी लेती है, लेकिन वहां पर लोगों के विरोध का सामना ऐसा करना पड़ता है कि दरोगा और सिपाही को लाठी डंडे से पीटा जाता है, पुलिस पर हमला किया जाता है, और आखिरकार सूली यादव, जिस पर कई जघन्य मामले दर्ज हैं, उसे छुड़ाकर लोग ले जाते हैं। तब देखिए, पुलिस टीम पर लाठी डंडे से हमला किया गया, दरोगा सिपाही को चोटें आई है। इस मामले में थाना अध्यक्ष तथा पुलिस निरीक्षक प्रदीप कुमार के बयान पर केस दर्ज किया गया है। तीन महिला सहित 14 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। सूली यादव पर बाढ़ थाने में कई जघन्य मामले दर्ज हैं। पुलिस को वांछित फरार अपराधी के डुमरिया गांव में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद विशेष टीम बनाई गई, और विशेष टीम बनाए जाने के बाद पुलिस जो है वहां पहुंचती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन वहां विरोध का सामना करना पड़ जाता है। पुलिस जैसे ही सूली यादव को लेकर गांव से बाहर निकलती है, लाठी डंडे से लैस लोग जो है हमला कर देते हैं, और मारपीट के बाद हमलावरों ने सूली यादव को मुक्त भी करा लिया। महिलाएं भी हमले में शामिल थी। पुलिस कर्मियों को हत्या की धमकी भी दी जा रही थी। अचानक हुए हमले से पुलिस घबरा गई और अंधेरे का लाभ उठाकर फरार होने में जो अपराधी हैं वो भागने में सफल हो गए। बाद में पुलिस कर्मी जो घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस के मुताबिक हमले में मुन्ना यादव, दिनेश यादव, देवी यादव और फूलचंद यादव शामिल थे। तो कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हैं और कई पुलिस कर्मी भी इसमें घायल हैं। दरोगा और सिपाही को लाठी डंडी से पीटा गया है। बाढ़ के डुमरिया गांव की यह घटना है, जहां पर सूली यादव नाम के एक अपराधी को छुड़ाने गई पुलिस पर इस कदर हमला किया जाता है कि उनकी हत्या तक की बात कही जाती है, लाठी डंडे से पिटाई की जाती है। पुलिस अचानक हुए इस हमले के बाद घबरा जाती है, वहां पुलिस को पीछे हटना पड़ता है, बैकफुट पर आना पड़ता है, और सूली यादव मौके का फायदा उठाकर एक बार फिर से फरार हो जाता है। सवाल ये कि पुलिस अगर अपराधी को पकड़ने जाती है तो क्या वहां भी लोग अपराधी को संरक्षण देंगे? हालांकि ये चीज तो अब दिख रही है बिहार में कि अपराधियों को पकड़ने जा रही पुलिस पर लोग हमले कर दे रहे हैं, पुलिस का खौफ लोगों में रहा नहीं है। अपराधी अब बिहार में अपराध करने से बाज कैसे आएंगे जब उन्हें लोगों का सपोर्ट समर्थन मिलता रहेगा, जब लोग ही उनके समर्थन में उतरकर पुलिस के खिलाफ एक्शन में आ जाएंगे, पुलिस पर हमले कर देंगे। और यही दिखा है बाढ़ थाना क्षेत्र में। राजधानी पटना का बाढ़ इलाका है और इस इलाके के डुमरिया गांव की यह घटना है, जहां पर पुलिस पर जोरदार हमला हुआ है, लाठी डंडे से पिटाई की गई है, और एक बार फिर से बिहार में पुलिस का खौफ कैसे लोगों के जहन से निकल चुका है इसकी वानगी दिखी है। इसके साथ ही अपराधियों के मंसूबे इस कदर बढ़ जाएंगे कि आने वाले दिनों में लोग जो हैं खुद ही त्राहिमाम करेंगे, शायद लोगों को यह पता नहीं है। बिहार पुलिस फिलहाल कार्रवाई कर रही है और वैसे लोग जिन्होंने हमला किया था, जो हमले में शामिल थे, उन सभी की पहचान कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।